हाय फ्रेंड्स, मैं विकास उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल भिंड में। और आज हम पर्यावरण की क्लास में अध्ययन करने वाले हैं बैलेंस डाइट की, बैलेंस डाइट या संतुलित आहार। तो देखिए, संतुलित आहार क्या होता है? वह भोजन जिसमें शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व उपस्थित हों तथा निश्चित अनुपात में हों, उसे संतुलित आहार कहते हैं। देखिए, शरीर के लिए जो सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो उपस्थित हों और एक निश्चित अनुपात में हों। कैसे अनुपात में हों? एक निश्चित अनुपात में हो, मतलब उनकी क्वांटिटी जो है वो एक निश्चित अनुपात में हो, तो उसे संतुलित आहार कहते हैं। लेकिन भले ही सभी पोषक तत्व उपस्थित हों लेकिन वो एक निश्चित अनुपात में नहीं है तो उसको पर्याप्त आहार बोलेंगे, ना कि संतुलित आहार। ठीक है, संतुलित आहार का मतलब होता है, जैसे आपको दूध एक गिलास लेना है तो एक गिलास दूध होना चाहिए, जितने फ्रूट्स लेने हैं 30 ग्राम तो 30 ग्राम फ्रूट्स होने चाहिए, दालें 75 ग्राम या 100 ग्राम जितनी लेनी चाहिए तो उतनी होनी चाहिए, यानी कि उनका अनुपात होता है, एक कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो संतुलित आहार का हमें फ़ायदा क्या होता है? संतुलित आहार से क्या होता है कि हमें स्वस्थ जीवन जीने के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे इनमें इनके घटक क्या है? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, और भी खनिज लवण होते हैं, विटामिन होती हैं, ठीक है, जल भी होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो संतुलित आहार के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, संतुलित आहार का फायदा क्या है? संतुलित आहार जो होता है उससे हमें कोई रोग नहीं होता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम हमारा अच्छा रहता है, डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है, हमारे शरीर के लिए सारी चीज़ें उपलब्ध होती रहती हैं, जिससे संतुलित आहार की हमें आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मनुष्यों की भोजन संबंधी आवश्यकताएं, उसकी आवश्यक अवस्था तथा कार्य के अनुसार अलग अलग होती है। देखिए, मनुष्य जो होते हैं अलग अलग, उनकी अलग अलग अवस्था, जैसे बच्चों में थोड़ा अलग अनुपात रहता है, अलग अलग चीज़ों की अधिक आवश्यकता होती है, जैसे प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है, दूध की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनकी उनका जो बॉडी होती है वो ग्रोथ कर रही होती है। युवाओं में अलग होती है, महिलाओं में अलग होती है ना, तो ये अलग अलग चीज़ों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये क्या है? एक तालिका है, ये संपूर्ण तालिका है बैलेंस डाइट की, कि किसको कितना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से ये बनाई गई है। स्त्री में देखिए और पुरुष में, अनाज जो होता है वो स्त्रियों में 350 ग्राम और पुरुषों में 450 से 475 ग्राम, क्योंकि पुरुषों का, देखिए पुरुषों में पुरुषों का जो बॉडी होती है वो ज़्यादा भारी भरकम होती है, और इसलिए स्वाभाविक सी बात है उनको ज़्यादा डाइट चाहिए, इसलिए कुछ चीज़ें उनको ज़्यादा आवश्यकता जरूरत पड़ती है। दूध होता है एक एक गिलास, यानी कि 250 ग्राम महिलाओं को भी, 250 ग्राम पुरुषों को भी। दालें होती हैं महिलाओं में 70 ग्राम, पुरुषों में 80 ग्राम। और फल होते हैं स्त्रियों में 30 ग्राम, पुरुषों में भी 30 ग्राम। देखिए, एक बैलेंस डाइट है, ये एक अनुमान है। ठीक है ना, जो भारत सरकार की कृषि अनुसंधान शाखा है, कृषि अनुसंधान संघ का राष्ट्रीय परिषद जो है, उसके अनुसार ये बैलेंस डाइट है। ठीक है, फल और वसा क्या होता है? 35 ग्राम पुरुषों को भी, 35 ग्राम महिलाओं को भी। पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं, पत्तेदार सब्जियां उनको महिलाओं को आवश्यकता होती है, क्योंकि महिलाओं को ब्लड की आवश्यकता यानी कि आयरन की आवश्यकता ज़्यादा होती है, इसलिए इनको 150 ग्राम की आवश्यकता पड़ती है, और पुरुषों को प्रतिदिन 100 ग्राम की आवश्यकता पड़ती है। महिलाओं को 150 ग्राम की आवश्यकता पड़ती है पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं, जैसे पालक, मेथी है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इनमें क्या है, आपको पता है कि आयरन पाया जाता है, आयरन से हीमोग्लोबिन बढ़ता है, और हीमोग्लोबिन की आवश्यकता महिलाओं को ज़्यादा होती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं मेनस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड उनका निकल जाता है, इसलिए उनको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अन्य सब्जियां 75 ग्राम स्त्रियों में और 75 ग्राम ही पुरुषों में। ठीक है, शक्कर या गुड़ यानी कि जो शर्करा की मात्रा होती है वो 30-30 ग्राम दोनों में, 30 ग्राम दोनों में। ठीक है, और जड़ वाली जो सब्जियां होती हैं, जैसे चुकंदर होते हैं, गाजर वगैरह होती है, मूली होती हैं, ये 75 ग्राम स्त्रियों में भी और 75 ग्राम पुरुषों में भी। देखिए, संतुलित आहार की एक तालिका है, इसके अनुसार हमें खाना चाहिए। तो हमें संतुलित आहार से क्या फ़ायदा होता है कि संतुलित आहार खाने से हमारी जो बॉडी रहती है वो सही रहती है, उसे किसी प्रकार के रोग नहीं होते हैं। ठीक है, शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो मजबूत बनता है, बीमारियां जल्दी नहीं आती हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक।
ठीक है, संतुलित आहार को कुछ कारक भी प्रभावित करते हैं। देखिए मेरा मतलब है कि अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग जरूरत पड़ती है। जैसे परिश्रम करने वाला कोई युवक हो, यदि कोई युवक परिश्रम करता है, जैसे शारीरिक परिश्रम करता है तथा कुछ मानसिक परिश्रम भी करते हैं, ठीक है, तो इन दोनों व्यक्तियों में क्या है, भोजन की मात्रा जो होती है उनमें काफ़ी अंतर रहता है। ठीक है, जैसे शारीरिक परिश्रम करने वाले होते हैं उनमें अधिक गर्मी और शक्ति का जो है ह्रास हो जाता है, इसलिए इनकी पूर्ति होती है, उन्हें भोजन अधिक करना चाहिए। ठीक है, और जो मानसिक परिश्रम करने वाले होते हैं उनको भोजन की मात्रा कम चाहिए, क्योंकि उसमें श्वेत सार की अपेक्षा प्रोटीन अधिक होनी चाहिए, उनका भोजन जो होता है उनमें प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होनी चाहिए। ठीक है, और आयु, देखिए आयु क्या होता है कि जैसे आयु के अनुसार अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग भोजन की आवश्यकता होती है। देखिए जैसे बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक जो बॉडी की ग्रोथ होती है, बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था तक है ना बॉडी की ग्रोथ होती रहती है, तो उनको प्रोटीन की आवश्यकता अधिक पड़ती है, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है, वसा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब ऐसे प्रौढ़ावस्था में जो शरीर के निर्माणक तत्व होते हैं उनकी आवश्यकता होती है, इसलिए उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, और वृद्धावस्था में क्या होता है, बॉडी जो होती है हमारी वो शिथिल हो जाती है, ठीक है ना, ढीली पड़ जाती है बॉडी, तो और जो रोग होते हैं उनका संक्रमण बहुत तेजी से फैलने लगता है, इसलिए सुरक्षात्मक तत्व यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत होना चाहिए। इम्यून सिस्टम क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम के बारे में आपको बता रहा हूँ। इम्यून सिस्टम का मतलब होता है प्रतिरक्षा तंत्र, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता, हमारे बॉडी के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता। ठीक है, जैसे कुछ लोगों का प्रतिरक्षा तंत्र यदि मजबूत होता है तो ना वो लोग जल्दी बीमार नहीं होते, ना उन्हें जल्दी से जुकाम खांसी होता है, ना कोई भी बीमारी जो होती है उनके पास जल्दी से नहीं आती है। लेकिन जिन लोगों का इम्यून सिस्टम जो होता है वो वीक होता है, यानी कि जिनका इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है, तो उन्हें तुरंत बीमारियां आ जाती हैं। ठीक है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए हमें हरी पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए, गाजर मूली है ना, ये सारी चीज़ें, सारे संतुलित आहार को हमें लेना चाहिए। ठीक है, दूध पीना चाहिए, इससे क्या है हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है तो हमारी बीमारी से लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखते हैं लिंग, देखिए महिला और पुरुष, मेल और फीमेल। मेल को आपको पता है कि इनकी बॉडी बड़ी होती है और काम भी ये लोग परिश्रम अधिक करते हैं, तो इनको अधिक डाइट की आवश्यकता होगी। ठीक है, जैसे संतुलित आहार जो होता है उनका जो अनुपात होता है वो कम ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, पुरुषों में और महिलाओं में, महिलाओं में क्या है वो घर का काम काज करती हैं। ठीक है, तो उनको अलग, जैसा कि मैंने आपको बताया था महिलाओं में पत्तेदार सब्जियों की आवश्यकता अधिक होती है। अब देखिए जलवायु भी प्रभावित करती है, जलवायु से क्या होता है, जैसे जो ठंडे देश होते हैं ना, जैसे नॉर्थ में उत्तराखंड है अपने यहाँ पे, ठीक है, और जम्मू कश्मीर है, और यूरोप के देश है ना, कंट्री है, रूस वगैरह है, तो इनमें क्या है कि ये ठंडे देश हैं, इनमें ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या है ऊष्मा पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, ऊष्मादायक जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों की इनको आवश्यकता होती है। ठीक है, ठंडे प्रदेश वालों को। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि भोजन जो होता है हमें कैसे खाना चाहिए, खूब चबा चबा कर खाना चाहिए। भोजन जो होता है हमें खूब चबा चबा कर खाना चाहिए। चबा कर खाने से क्या होता है कि हमारे भोजन में लार जो होती है, लार अधिक मात्रा में मिल जाती है, और भोजन का डाइजेशन जो होता है वो जल्दी से हो जाता है। ठीक है, और भोजन जो होता है उसको गंदगी से दूर रखना चाहिए, साफ और स्वच्छ ढका हुआ भोजन ही खाना चाहिए। ठीक है, और भोजन में सभी आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होनी चाहिए, ये तो मैंने आपको बता ही दिया डाइट में है ना, संतुलित आहार इसीलिए बोलते हैं। और भोजन जो होता है हमारा उनको हमें इंटरेस्ट के साथ खाना चाहिए, इससे क्या उसका इफेक्ट हमारे शरीर पर ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, यदि हम उसको इंटरेस्ट के साथ नहीं खाएंगे, जल्दी जल्दी में खा लेंगे या जल्दी खाते हुए निकल जाएंगे, तो उससे क्या होता है उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पर ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, जब हम भोजन को इंटरेस्ट के साथ खाते हैं तो जो डाइजेशन जो जूस होते हैं वो अधिक मात्रा में निकलते हैं हमारी बॉडी के अंदर। डाइजेस्टिव जो जूस होते हैं वो हमारी बॉडी में अधिक मात्रा में निकलते हैं, जिससे भोजन का पाचन जल्दी से हो जाता है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये शॉर्ट क्लास एनवायरनमेंट की, यदि अच्छी लगी